VMU स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी टेंशन जो असाइनमेंट को लेकर थी यहाँ पर, उसके लेकर मैं सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। जनवरी 2022 के जो असाइनमेंट्स हैं उनकी जो कम्प्लीटली PDFs हैं वो भी अपलोड हो चुकी हैं। जुलाई वालों की PDFs बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी। तो अभी भी स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे कि असाइनमेंट कैसे तैयार किए जाएँ, तो मैं आज ये डेमो फाइल लेकर आया हूँ और इसके थ्रू आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ किस प्रकार से आपको कौन सा पेन यूज़ करना है, कितने पेज भरने हैं और यहाँ तक कि आपको कंप्लीट ए टू जेड इन्फॉर्मेशन। एक छोटा बच्चा भी अगर असाइनमेंट बनाना चाहेगा तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद असाइनमेंट आराम से वो तैयार कर पाएगा। तो यहां पर हम पेजों से लेकर सारी इंफॉर्मेशन हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों, VMU में जो डिग्री कोर्सेज होते हैं, जैसे UG और PG कोर्सेज होते हैं, जैसे BA करते हैं आप, MA करते हैं, उन कोर्सेज में क्या होता है, सत्रीय कार्य का आपको काम करना होता है, जिसको आप इंटरनल असाइनमेंट बोल दीजिए, सेशनल बोल लीजिए या फिर आप सत्रीय कार्य बोल लीजिए हिंदी में। तो वहां पर ये जो होता है आपको घर बैठे तैयार करके और फिर अपने जो रीजनल सेंटर या फिर अभी जोधपुर बीकानेर वालों के लिए स्टडी सेंटर तक के ऑप्शन है वहां पर सबमिट करना होता है। ये फाइल आपको घर बैठे ही तैयार करनी है और आप इजी वे में तैयार कर पाएंगे, बिल्कुल ही इसमें कोई इतना हार्ड एंड बर्डन काम नहीं है। यहां पर ये होगा कि आपको जो अपना स्टूडेंट मनवी है उसको ओपन करके वहां से PDF डाउनलोड करनी, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फाइल कैसे तैयार करनी वो मैं बता ही रहा हूं। बाकी इसमें UG कोर्सेज में 20% तो UG कोर्सेज में 30% का वेटेज होता है और PG कोर्सेज में 20% का वेटेज होता है। मतलब जो आपके परसेंटेज इंप्रूव है, ओवरऑल जो परसेंटेज इंप्रूव है उसमें इन असाइनमेंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है और उसी में रहता भी है। आपके असाइनमेंट के बल पर आपके बहुत अच्छे परसेंटेज जो है आपके डिग्री कोर्सेज में बन सकती है। तो मेरा ये फॉर्मूलाज अपनाइएगा, असाइनमेंट का फर्स्ट पेज, असाइनमेंट में कैसे लिखने का तरीका, सारी चीज़ें, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मतलब आपको नॉर्मली अगर 15 मार्क्स मिलने वाले हैं तो वहाँ पर आप ये मेरे फॉर्मूलेज अपनाकर आप 18 से 19 नंबर तक मार्क्स ले पाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं। तो चलिए हम चलते हैं बैक कैमरा में और वहां जाकर मैं आपको असाइनमेंट की 1 by 1 स्टेप से फाइल को कैसे तैयार करने की सारी चर्चा आपसे शेयर करता हूं। तो जैसा कि आपने आंतरिक गृह कार्य संबंधी जो सामान्य सूचना थी ये आपने देख लिया होगा, इसका मैंने फुल इंफॉर्मेशन डिटेल वीडियो बनाया था। यहाँ पर भी ये बेसिक सी बातें बताई थी VMU ने, क्योंकि पहले जो था वो ऑनलाइन असाइनमेंट चल रहे थे, उसके बाद अब वापस ऑफलाइन असाइनमेंट आया तो बहुत स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन थे। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें फाइल वगैरह लेकर हाजिर हो गया हूँ और आपको कंप्लीट आपकी जो समस्या थी उसका समाधान अच्छे से हो गया है। ब्रीफली बात यह है, जनवरी 2022 सेशन वालों के लिए जो अपना असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2023 है, तो उससे पहले आपको जो अपने असाइनमेंट है वो अपने सबमिट करने होंगे। जोधपुर बीकानेर वाले जो हैं उनको अपने स्टडी सेंटर तक पहुँचा, बाकी जो जोधपुर बीकानेर के अलावा और भी हैं उनको अपने रीजनल सेंटर पर पहुंचाने। असाइनमेंट आप बाय डाक भी भेज पाएंगे, सारी चीजें हैं वो भी मैं बंद बाय बंद सारे इश्यूज आपके क्लियर करने वाला हूं। पहले हम बात कर लेते हैं असाइनमेंट डाउनलोड करने का। जैसे आप यहां पर देख पा रहे होंगे MAHI 01 से लेकर 04 की ये असाइनमेंट है। असाइनमेंट डाउनलोड का मैंने एक अलग पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है जिसमें आपको बता रखा है असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करना है। वहां से क्या होगा, आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी कंप्लीटली कि आपको कितने क्वेश्चंस करने, क्या चीज़ें, और आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इन्हें पूरा करने के बाद अंतिम तिथि से पूर्व आप खुद जाकर या फिर पंजीकृत डाक से भी आप कंप्लीटली इसको जमा करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये PG कोर्सेज का ये असाइनमेंट है 20 अंक का, अगर UG का होगा तो आपके 30 नंबर का होने वाला है और ये फाइनल परसेंटेज में एड होगा। आप बिल्कुल ही इसको ऐसा सीरियसली ना लें या फिर इसको मजाक में ना लें कि असाइनमेंट है नॉर्मली, बाकी परसेंटेज में बहुत ज़्यादा इसका डिफेक्ट पड़ने वाला है। तो आपको जो है प्रत्येक प्रश्न पत्र जो आपके पेपर होता है, जैसे MAHI है, MA का ये है, MA प्रीवियस हिस्ट्री का ये कंप्लीटली आपका असाइनमेंट है, तो MA चाहे 01 से लेकर 04 तक के ये आपके असाइनमेंट है, तो इनको आपको कंप्लीटली 4 पेपर है तो आपकी कंप्लीटली कितनी फाइल बन जाएगी, 4 फाइल बन जाएगी। मतलब हर सब्जेक्ट की आपकी अलग अलग फाइल बनेगी, आपके जितने सब्जेक्ट है उतनी आपकी फाइलें आपको तैयार करनी होगी और इसके बाद अलग अलग फाइल में जमा करना है और प्रथम पेज पर आपको यह डिटेल मेंशन करनी है। तो वो तो सारी टेंशन आप छोड़ दीजिए, मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे रखी। जनवरी 2022 वालों के लिए 15 अप्रैल 2023 आपके असाइनमेंट सबमिट की लास्ट डेट है, बाकी जुलाई 2022 वालों की भी अपडेट बहुत जल्द आएगी और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी तो मैं कंप्लीटली शेयर करता हूं और हर बार शेयर करूंगा। अब जैसे ही असाइनमेंट में आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा आपका जो असाइनमेंट है वो 3 खंडों में विभाजित है। वो चाहे आपका असाइनमेंट 30 नंबर का हो, चाहे आपका असाइनमेंट 20 नंबर का हो, असाइनमेंट 3 खंडों में विभाजित होगा। अति लघु उत्तर वाले प्रश्न हैं, यहाँ पर आपको सारे प्रश्न अटेंड करने हैं आपके असाइनमेंट में। ये 30 शब्द की सीमा के क्वेश्चन होंगे, तो ये 4 क्वेश्चन से इन 4 क्वेश्चन को आप एक शब्द, एक वाक्य या 2-3 लाइनों में लिख सकते हो। जैसा क्वेश्चन वैसे आप अपने हिसाब से उसको मेंशन कर सकते हो। बाकी आते हैं लघु उत्तर वाले प्रश्न खंड ब करके, तो यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए हुए हैं, 4 में से कोई भी 2 करना है, चाहे आप ऊपर वाले 2 कर लीजिए या फिर नीचे वाले 2 कर लीजिए, आपको जैसा भी जो भी क्वेश्चन आपको बेस्ट लग रहा है आप करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। बाकी मैं अपना तरीका बताने वाला हूँ आपको कौन सा क्वेश्चन है वो आपको अटेंड करना चाहिए। उसके बाद खंड सी आ जाता है, खंड सी में आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन से उसको अटेंड करना होगा और इसकी शब्द सीमा 500 शब्द रहने वाली है, 8 नंबर का है, इसकी 200 शब्द रहने वाली है। पेज कितने भरने वगैरह हम बाकी फाइल में डेमो में जाकर बात कर लेते हैं। ये तो हो गई असाइनमेंट डाउनलोड की बात। तो इस प्रकार से आप असाइनमेंट अपने स्टूडेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैंने डाउनलोड करने का तरीका पर्टिकुलरली आपको स्पेशली एक वीडियो है दूसरा उसमें बता रखा है, वो वीडियो जाकर आप वॉच कर सकते हैं। वहां पर असाइनमेंट अपलोड हो गए होंगे स्टूडेंट में, अगर नहीं हुए तो कुछ दिन वेट कर लीजिए। यूनिवर्सिटी ने अब जैसे यहां पर कंप्लीटली
पूरा नोटिस निकाल के आपको अपडेट दी है कि आपके असाइनमेंट हैं और आपको 15 अप्रैल से पहले जमा करने, तो असाइनमेंट 100% आएंगे, बस थोड़े लेट आए, जो भी हो वो इस तरह का सिस्टम है, बाकी आ जाएंगे, वो आपको टेंशन नहीं करनी। अब हम आ जाते हैं असाइनमेंट को कैसे करना फाइलों की, और जो मेन हमारा मुद्दा है आज के इस वीडियो का, उसमें ये सारी हम बातें कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से ये पूरी फाइलें मैंने ये तैयार की, जितने पेपर्स हैं उतनी एक तरीके से डेमो फाइल तैयार की है आपके लिए, मैंने स्पेशली वीडियो के लिए ही ये पूरी तैयार की है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आपका जो भी MAG प्रीवियस है, फाइनल है, तो वो आपका यहाँ पर आपका कार्यक्रम कोड है उसको मेंशन कर लेना है। इस प्रकार से ये फर्स्ट पेज है और इस फर्स्ट पेज की PDF है आपको अपना एजुकेशन जॉब हेल्प लाइन का, जो हमारा व्यूमी एजुकेशन जॉब हेल्प लाइन टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैं उपलब्ध करवा दूंगा। इस PDF को इस प्रकार से भर देना है, आपका 08, आपके पेपर का क्या नाम है, आपके स्कॉलर नंबर भर देने हैं, आपका नाम, उसके बाद पिता का नाम का यहाँ पर नहीं था तो आप सन ऑफ करके साथ में ही मेंशन कर देंगे, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, जो भी आप हैं, मोबाइल नंबर लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे और जमा करवाने की दिनांक आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। ये पत्ता आपको इस प्रकार से इस फाइल पर चिपकाना होगा और ये फाइल आपको नॉर्मली मिल जाएगी। आप देख पा रहे होंगे यहां पर ये धागे वाली फाइलें हैं और यहां पर आपके एक ऑर्डर था, विश्वविद्यालय का ऑर्डर है, उसमें भी आपको यहां पर स्पेशली लिखा है कि मोटे कागज के फाइल कवर, प्लास्टिक फाइल कवर का प्रयोग न करने का सुझाव है। तो अब यूनिवर्सिटी हमसे रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लास्टिक शीट का उपयोग नहीं करना है, तो मैंने पिछले वीडियो में प्लास्टिक शीट भी बता रखी है, तो आपको भी प्लास्टिक शीट को अवॉइड करना है और आप ये जो मोटे गत्ते वाली फाइलें मिलती है उसको आप परचेस कर सकते हैं, 10 से 20 रुपए में ये धागे वाली फाइलें मिल जाएंगी। और भी इसके अलावा भी छोटी फाइल भी आती है, जैसे ये तो मेरे ऑप्शन में यहां मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाई, बाकी इसके A4 साइज की फाइलें भी आती है, वो फाइल आप ले सकते हैं, उसके ऊपर ये फर्स्ट पेज जो आप अंदर फर्स्ट पेज लगा रहे हैं उसके ऊपर भी ये चिपका देना है ताकि आपकी सारी डिटेल्स है वो इसमें अच्छे से दिख जाए। इस प्रकार से ये पूरा आपको फर्स्ट पेज है जो ऊपर चिपका रखा है वही अंदर है, और यहां पर ये फर्स्ट पेज का कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इसी प्रकार का लेना है, ये भी लेना है, मतलब मैंने आपको सारे तरफ से ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे आपको ये PDF भी मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगी, आपको जो अच्छा लगता है आप प्रिंट निकालिए, आप जो कर सकते हैं यहाँ पर ये देखिए, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप जैसे मैंने रंगीन बताया था आप रंगीन ही प्रिंट निकाले, ब्लैक एंड व्हाइट निकाल के, बात यह है आपका स्कॉलर नंबर क्लियर दिखनी चाहिए, आपके डिटेल्स है वो सारी यूनिवर्सिटी को अच्छे से पता चल जानी चाहिए। यहाँ पर इस प्रकार से ये फिल करके और आपकी ये कंप्लीटली फर्स्ट पेज है, इसको अच्छे से फिल कर देना है। उसके बाद फिर आ जाते हैं MA 08, आपको अपना सब्जेक्ट का नाम लिखना है, खंड अ लिख देना है, खंड अ के ये क्वेश्चन है ये आपको फिल कर देना है। इन क्वेश्चंस में कितना भरना वो कोई पूछने वाली बात नहीं, 30 शब्दों के क्वेश्चंस होते हैं, एक लाइन में लिख दो, एक वाक्य में लिख दो या 2-3 लाइनों में लिख दो, आपको जैसा सहूलियत है जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से कर लीजिए, लेकिन एक पेज में ये खंड अ के क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। खंड ब के क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो 200 शब्द वाले होते हैं, तो यहां पर आपको इस प्रकार से प्रश्न यहां पर ये लिख लेना है और आपको यहां पर ये बात का ध्यान रखना है, जैसे ब्लैक पेन से या फिर अलग से पॉइंट वाले क्वेश्चन है वो लिखने हैं, और आपको जो क्वेश्चन चूज करने का ऑप्शन मिल रहा है उसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चन चूज करने हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा पॉइंट हो, ताकि आप पॉइंटों में बहुत अच्छे से लिख पाएंगे और एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से होगा, जो एग्जामिनर चेक करेगा उसको भी बहुत अच्छा दिखेगा। ये आप चाहें तो ग्रीन पेन से भी लिख सकते हैं, ये मेन पॉइंट है, खंड स के ये जैसे मैंने पॉइंट लिख दिए। तो इस प्रकार से ये मैंने डेमो के लिए बताया, तो मैंने पूरा फिल फुल नहीं किया, एक नॉर्मल असाइनमेंट की मैं बात करूं तो आपका जो असाइनमेंट है वो आप चाहें तो दोनों साइड लाइन वाले पेज ले सकते हैं या फिर सिंगल लाइन वाले पेज भी लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, अगर आप दोनों साइड वाले ले रहे हैं तो आप दोनों तरफ लिख सकते हैं जैसा आपको सही लगे वैसा। कुल मिलाकर राउंड फिगर बात यह है कि आपको टोटली 10 पेज तक के आपके असाइनमेंट कंप्लीटली 10 पेज आपको रिटर्न वर्क करना होता है, और अगर वन साइडेड लेंगे तो आपके पेज थोड़े ज़्यादा लगेंगे, फाइल थोड़ी अच्छी दिखती है, मतलब जैसे एज ए एग्जामिनर भी अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी संख्या रहेगी और आप अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। दो साइड चाहें दोनों साइड भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें A4 साइज वाले जो ब्लैंक पेपर आते हैं जो फोटोकॉपी वाले यूज़ करते हैं तो उन पेपरों को भी यूज करके भी अपने असाइनमेंट है वो आप अपने तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। बात यह है कि आप जो लिखना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से लिखें, उसको पॉइंट वार लिखें और ऐसे ऐसे क्वेश्चन चूज करें जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स बना सकें, और अगर आपको कोई मतलब ड्रॉइंग का कुछ पार्ट है, ज्योग्राफी वगैरह में कुछ होती हैं चीजें बनाना वगैरह, मैप है कोई बनाना है, तो आप सीधा A4 साइज का जो कोरा पेपर जो ब्लैंक पेपर आते हैं उनको भी साथ में मेंशन करके लगा सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, बस आपका असाइनमेंट का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा रहना चाहिए। अब हम बात करें खंड के, ये तो हो ही गया आपका, खंड ब में आपका जैसे 200 शब्द का क्वेश्चन है तो ज्यादा से ज्यादा आप अगर चाहें तो 1.5 पेज या 2 पेज इसमें लिख सकते हैं, अगर आपके पेज ज्यादा लिखने का हो रहा है 2.5 पेज भी अगर भर रहे हैं तो आप भर सकते हैं, ज्यादा लिखने की कोशिश करें, घर बैठे लिखना है हमें, कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है, आप इजी वे में आपको बुक्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको PDF में डाउनलोड करने के मैंने तरीके बता रखे वहां से क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसके बाद भी अगर आप चाहो तो बहुत तरीके हैं, जैसे ऑनलाइन नेट सर्च करोगे वहां से भी आपको आंसर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको करके और पूरी फिल करके और इसको धागे में बांध के आपको फाइल की तैयार कर देना है। जैसे मैंने ये दूसरा इंटरनल असाइनमेंट का ये पुराना जो पहले VOMU में चलता था पेज, तो ये भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया, इस प्रकार से ये आपको फुल फिल कर देना है सारी चीज़ें। ये आपका अध्ययन केंद्र है, आपको स्टूडेंट वन व्यू में मिल जाएगा, आपका रीजनल सेंटर, आपके कोर्स के नाम, सब्जेक्ट के नाम सारे स्टूडेंट वन व्यू में अवेलेबल है, आप जो असाइनमेंट डाउनलोड करेंगे वो भी है, बस आप जो अंदर जो पेज लगा रहे हैं उसके ऊपर भी यही पेज लगा देना है और इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये लिख देना है। जैसे मैंने ये दूसरी फाइल और तैयार की BA फर्स्ट ईयर की, यहाँ पर लिख दिया मैंने ये 4 क्वेश्चन खंड अ वाले आ गए, उसके बाद खंड ब वाले ये क्वेश्चन से मैंने
से ही पॉइंट वाले क्वेश्चंस लिए। अब यहाँ पर मुझे डिटेल लिखनी है, मैंने आपको केवल दिखाने के लिए लिखा है, इसलिए मैंने पूरी चीज़ें फिल नहीं की है, तो आप ऐसा कुछ ना सोचिएगा। तो ये जैसे मैंने सैंपल एक तैयार किया है, प्रश्न दो हो गया आपका, प्रश्न दो आ जाएगा, उसके बाद खंड स आ जाएगा, फिर आप इसको और मतलब बात ये बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन करके लिख सकते हैं आप चाहे। इस हिसाब से केवल आपको ये तैयार करने का एक तरीका बताया, और ये तरीका आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि असाइनमेंट्स को लेकर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पैनिक्स हो जाते हैं, तो ये पूरा आपका फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे आपने मैंने इसमें ये वाले पेपर ले लिए, यहाँ पर ये लाइन वाले पेपर ले लिए, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, बस बात यह है कि आप अच्छे से लिखिए, आप अच्छे से जो असाइनमेंट जो यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन मिले आपको असाइनमेंट के डिग्री कोर्सेज के, तो वो यहाँ पर अच्छे आपको अच्छे प्रेजेंट करना है। आप ये पेज भी लगा सकते हैं, ये पेज भी लगा सकते हैं, एज योर चॉइस, यहाँ पर इस टाइप का पेज भी लगा सकते हैं। इन सब की जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं उपलब्ध करवा दूंगा, और इस प्रकार आप ये फाइल लगा सकते हैं, और इनको लगाकर फिर इनको अगर आप मान लो बाई हैंड वहां जमा करवाने जा रहे हैं, तो आपको जो है कंप्लीटली जमा करवा देने हैं वहां जाकर। और बाकी अगर आपको कहां जमा करने वो उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि जोधपुर बीकानेर वालों का एक स्टडी सेंटर की लिस्ट है, जिनका जो स्टडी सेंटर है उस अकॉर्डिंग उनको जमा करने के सेंटर दिए गए हैं अब की बार, तो आपको उस हिसाब से जमा करवाने होंगे। बाकी आप इस हिसाब से अपने तैयार कीजिए, बाकी जोधपुर बीकानेर के अलावा सभी को अपने रीजनल सेंटर पर असाइनमेंट पहुंचाने, और डाक से पहुंचाने तो आप चिंता मत कीजिएगा, एक बार मैंने जो तरीका बताया उस हिसाब से आप असाइनमेंट तैयार करना शुरू कर दीजिए। आप दो चार लगेंगे आपके तैयार करने में, तब तक मैं बहुत जल्द एक और वीडियो लेके आने वाला हूं, जो मतलब लिफाफा कैसे भरें, उसके ऊपर क्या प्रोसेसिंग करके और आपको स्पीड पोस्ट करना है, और यहां तक कि मैं आपको सारे एड्रेस भी उपलब्ध करवा दूंगा, आपका जो भी स्टडी सेंटर है, जो भी आपका रीजनल सेंटर है, तो उस हिसाब से आपको कहां बाई पोस्ट भेजना है, वो सारी चीजें भी आपको हमारे एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन जो हमारा प्लेटफॉर्म है और हम मदद की जो कोशिश रहती है उस पर ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। बस साथियों थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिएगा, काफ़ी अच्छी खासी मेहनत लगती है इन चीज़ों को तैयार करने में, और ये सब आप ही के लिए होता है, केवल आपकी हेल्प के लिए होता है। तो बाकी साथियों हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वीडियो को थोड़ा शेयर किया कीजिए अगर आपकी काफ़ी अच्छी मदद हो रही है। बाकी हमारे साथ बने रहिए, और कुछ इश्यूज है कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं श्योर इसका रिप्लाई करूंगा। बाकी असाइनमेंट के संबंधी और वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिए, सारी चीज़ें आप वहाँ से देख पाएंगे। तो साथियों मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।